हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकेट। और आज हम नर्मदा रिवर सिस्टम डिस्कस करेंगे, जैसा कि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि नर्मदा रिवर सिस्टम डिस्कस करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। नर्मदा रिवर का नाम आपको कहीं कहीं पे रेवा भी सुनने को मिलेगा। और अगर नर्मदा की बात की जाए, अगर इंडिया का मान लेते हैं, इंडिया का लोअर पोर्शन, तो पेनिनसुलर रिवर्स में जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो यहाँ ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो फ्लो करती हैं, तो ऐसी तीन रिवर्स हैं। एक है नर्मदा, एक है तापी, और जो तीसरी है उसका नाम है माही। तो इन तीनों में जो सबसे बड़ी रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है, वो नर्मदा रिवर है। और अगर ये देखें कि ये कहाँ कहाँ से पास होती है, तो ये टोटल तीन स्टेट से पास होती है। एमपी से ये निकलती है, यहाँ पर इसका सोर्स पॉइंट अमरकंटक प्लेट्यू से ये निकलती है, और फर्दर ये महाराष्ट्र में एंटर करती है, महाराष्ट्र से ये गुजरात, और फिर ये गल्फ ऑफ खंबत अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। और इसको एमपी की लाइफलाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत मेजर पोर्शन हैंडल करता है एमपी का। सो फ्रेंड्स, एक बार मैप में देख लेते हैं हम कि एग्जैक्टली ये रिवर कैसे फ्लो कर रही है। ये है मैप इंडिया का, और आपको मैं नर्मदा रिवर दिखाता हूँ। ये एमपी में यहाँ नर्मदा रिवर इस तरह से निकल रही है, और ये मध्य प्रदेश से जाके इस जगह पे आई। ये मीन्स मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है, और उसके बाद ये गुजरात में चली जाती है, और गुजरात से देन ये अरब सागर में मिल जाती है। तो ये तो मैप था। तो फ्रेंड्स, अब रिवर को देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका ओरिजिन पॉइंट जो है, नर्मदा कुंड हम इसे कहते हैं, नर्मदा कुंड, और अमरकंटक प्लेट्यू, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, अमरकंटक प्लेट्यू ये अन्नपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का, अन्नपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी में, तो ये वहाँ पड़ता है। तो यहाँ से रिवर निकलेगी और कुछ आगे जाएगी, तो जैसे ही आगे जाती है, यहाँ पर एक सिटी पड़ती है, और बहुत फेमस सिटी है जबलपुर। और जबलपुर के जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो एक बहुत ही फेमस फॉल है, जिसका नाम है धुआंधार फॉल। ये क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको याद रखें। जबलपुर से जस्ट आगे, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के ही अंदर आता है ये धुआंधार फॉल। और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे आप, तो एमपी में ही एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम खांडवा है। तो खांडवा डिस्ट्रिक्ट में एक डैम पड़ेगा जिसका नाम है इंदिरा सागर डैम, तो याद रखें इसको। और फिर आप जब थोड़ा और आगे जाएंगे, तो इसी डिस्ट्रिक्ट में, सेम डिस्ट्रिक्ट में एक और डैम पड़ता है जिसका नाम है ओमकारेश्वर डैम। और जब हम आगे बढ़ेंगे और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो अब हम महाराष्ट्र में एंटर कर जाएंगे। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री में नर्मदा रिवर फ्लो करती है, और ऐसी आगे फिर महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे ये रिवर फ्लो करती है। और अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात कर लें जो ये एमपी में ट्रेवल करती है, वो है 1077 किलोमीटर। और फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे, तो फिर गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर पड़ता है। मीन्स ये काफ़ी कम डिस्टेंस के लिए महाराष्ट्र में फ्लो करती है, और वो भी सिर्फ बॉर्डर पे फ्लो करती है। और यहाँ से फिर ये गुजरात में पहुँच जाती है, गुजरात में एंटर कर जाएगी, और इस तरफ ये एमपी में थी, इधर गुजरात में पहुँची। और गुजरात में जैसे ही पहुँचती है, एक बहुत ही फेमस डैम है यहाँ पर जिसका नाम है सरदार सरोवर। और फिर ये रिवर आगे बढ़ती है, और एक सिटी है गुजरात की जिसका नाम है भरूच, वहाँ पहुँचती है। और भरूच के बाद ये आगे गल्फ ऑफ खंबत, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, गल्फ ऑफ खंबत में जाती है, और जिसमें आगे अरेबियन सी पड़ता है, वहाँ पे जाके ये एस्चुरी फॉर्म करती है। और अगर गुजरात में इसका टोटल डिस्टेंस की बात करें, तो वो 161 किलोमीटर, मीन्स ये एमपी में मोस्टली पूरा डिस्टेंस कवर करती है, मोस्टली अपना जो भी इसकी जर्नी है उसका। और आपको एक और चीज़ बतानी थी, ये जो नर्मदा रिवर है, ये दो वैलीज पड़ती हैं यहाँ पे, उनके बीच से फ्लो करती है। ये जब स्टार्ट होती है यहाँ पे, और एक वैली का नाम है विंध्याचल, और दूसरी का नाम है सतपुरा। तो जब भी इस तरीके से कोई बीच में से रिवर पास करती है दो वैलीज के बीच में, तो उसे रिफ्ट वैली बोलते हैं। और ये जो रिफ्ट वैली है, ये लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली ऑफ इंडिया भी है, लॉन्गेस्ट रिफ्ट वैली ऑफ इंडिया। अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा नहीं जाता।
स्टिल मैं आपके साथ एक बार इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको मैप के थ्रू डिस्कस करके बता देता हूँ। सो लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैप है नर्मदा रिवर बेसिन का, और इसमें यू कैन सी यहाँ से नर्मदा स्टार्ट हो रही है, और आप देख सकते हैं इसकी अगर ट्रिब्यूटरी की हम बात करें तो यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आ रही है जिसका नाम हिरेन है, और फिर यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आई जिसका नाम शेर है, फिर अगर आगे हम देखें उसके बाद शक्कर एक ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद अगर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तवा नाम की ट्रिब्यूटरी आती है, ये एक ट्रिब्यूटरी है जिसको आप याद रख लें तो अच्छा है। ऐसी शक्कर भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी मानी जाती है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और तवा के बाद अगर आप आगे देखेंगे तो इधर ये राइट साइड से एक ट्रिब्यूटरी आती है जिसका नाम है चंकेसर, फिर अगर आप लेफ्ट साइड से देखें तो छोटा तवा ये इंदिरा सागर डैम के पास आके मिलती है, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये बुराद एक ट्रिब्यूटरी है, ऐसे ही आगे हथनी एक ट्रिब्यूटरी आके मिलेगी इसमें। तो यही इसकी कुछ मेन ट्रिब्यूटरीज थी, और आपको इसकी ट्रिब्यूटरीज को ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बस आप कुछ ये जो ट्रिब्यूटरीज जो मैंने बोली थी आपको, शेर हो गई, शक्कर हो गई, तवा छोटा तवा और ये हथनी हो गई, तो ये आप बस याद रख लें कि ये ट्रिब्यूटरीज थी, दैट इज़ एनफ। और आज मैनी ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि मैंने कोई आपको ट्रिक नहीं बताई, ट्रिक मैंने इसलिए नहीं बताई बिकॉज आप ऑलरेडी, मैं आपको हर रिवर की ट्रिक्स बता चुका हूँ, और ये नर्मदा रिवर इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स वाई मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में इसकी ट्रिब्यूटरीज डिस्कस भी नहीं की। सो आप यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, और नर्मदा, तापी और माही जो है इनको हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस वी नीड टू नो द वेरियस थिंग्स जो भी उस रिवर सिस्टम के बीच में आ रही है, एंड जो भी आपके व्यूज़ हैं प्लीज़ राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू देम, और प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं, इससे हमको भी एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हम और भी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।